हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ देखेंगे स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 10। यह है दिस इज। स्टार्ट। कोष्टक से सही शब्द चुनो, खाली जगह में लिखो और पूरा वाक्य फिर से लिखो। आप लोग को पहले खाली जगह में सही शब्द चुनकर लिखना है, फिर उस वाक्य को वापस से पूरा लिखना है। फर्स्ट नंबर हम देखेंगे, यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। यह मोर है, फिर रिपीट करके लिखा हुआ है यह मोर है। सेकंड, ये क्या किसका चित्र है तो हम देखेंगे छाता, तो ब्लैंक में आएगा छाता। यह छाता है, यह छाता है। आप लोग टू टाइम इसको राइट करोगे। ये चित्र किसका दिया हुआ है हमें, सिंह का, तो यहाँ पे ब्लैंक में आएगा सिंह। यह सिंह है, यह सिंह है। ये किसका चित्र दिया हुआ है हमें, पतंग का, तो ब्लैंक में आएगा पतंग। यह पतंग है। ये कौन सा चित्र दिया हुआ हमें, पेड़ का, तो ब्लैंक में क्या आएगा, पेड़, तो यह पेड़ है। ये क्या है, पुस्तक, तो यहाँ पे आएगा पुस्तक। यह पुस्तक है। ये क्या दिया हुआ है, कलम, तो यहाँ पे आएगा कलम। यह कलम है। ये है गुलाब, तो आएगा यहाँ पे गुलाब। यह गुलाब है। ये कौन है, गांधी जी, तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा, गांधी जी। यह गांधी जी है। ये क्या दिया हुआ है, कौआ, ब्लैंक में आएगा कौआ। यह कौआ है। ये क्या है, बंदूक, तो आएगा यहाँ पे बंदूक। यह बंदूक है। ये कौन है, औरत, तो क्या आएगा, यह औरत है। इसी तरह आप लोग को एक बार करेक्ट वर्ड्स को चुनकर इस ब्लैंक में राइट करना है, फिर उसको पूरे वाक्य के वापस लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।